अच्छा, आपको ये जानकारी है, ये घटना 17 तारीख को यहाँ पे घटी थी। ये खुसरोपुर में जो कुछ लोगों को यहाँ पे दबंग आके पिटाई विटाई करके गए थे, जानकारी है आपको इस विषय की? नहीं, खुसरोपुर गांव में, हाँ, बास्ताल में। हाँ, ये चौराहा पर नहीं, कुछ लोग जो पासवान परिवार का लोग था यहाँ पर, कुछ लोग आया, मारपीट करके गया, महिलाएं थी उसमें, महिलाओं को पीट के गया है। आपको जानकारी है? नहीं है इसकी अभी तक। अच्छा ठीक है, तो हम आपको इसकी कांड संख्या हम आपको बता रहे हैं, 406/23। ठीक है, ये खुसरोपुर थाना का ही है ये। इस पर एक तो आप अपने से आप इसमें पूरी डिटेल लीजिए, जानकारी लीजिए क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इस घटना को इतने दिन हो गया, अभी तक एक आदमी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर थाने में ये ग्रामीण जाते हैं, इन लोगों का केस तक इन लोगों का दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो भाई, अगर इस तरीके से अगर मिली भक्त अगर ये लोग करेंगे, अगर ये लोग अपराधियों को ही थाना वाला अगर संरक्षण देगा, तो फिर तो ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा ना एसपी साहब। फिर तो इसमें जितने थाना अध्यक्ष हैं, जितने भी उसमें लोग हैं, सारे फिर उसमें आएंगे। शांत तो हम लोग इसमें बैठेंगे नहीं, जिस तरीके से घटना घटी है। तो एक बार अपने से इसको पता कीजिए, नहीं हो तो अपने से एक बार यहाँ पे आ जाइए। 406/23, ठीक है, एक बार इसकी जानकारी लेके अपने से आ जाइए यहाँ पे, नहीं तो हम अपने पार्टी के भी एक डेलीगेशन को हम आपके पास भेज रहे हैं। इसमें तुरंत कार्रवाई करके जो लोग हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी इन लोगों को धमकी दे रहा है कि हम लोग आकर तुम्हारा घर जला देगा, ये कर देगा, तो अभी भी इन लोगों को धमकी दे रहा है। तो यहाँ पे एक तो उचित सुरक्षा यहाँ पे मुहैया कराइए, और जितने लोग इसमें लिप्त हैं, जो ये ऐसी घटना को किए, उसको तुरंत उनकी गिरफ्तारी करवाइए, और थाना वाले को कम से कम बोलिए कि कम से कम ये लोग केस तो दर्ज किया करे। इतने दिन से ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग अभी तक FIR तक ये लोग दर्ज नहीं किया। इसको आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए। हम ऊपर भी अभी हम DGP से भी हम बात कर रहे हैं, और हम मुख्यमंत्री को भी हम लिखित रूप में दे रहे हैं, पर आप इसको गंभीरता से लीजिए, है ना। और होगा तो एक बार अपने से यहाँ पे राउंड लगा के जाइए प्लीज, ठीक है, करके फिर एक बार रात में हम आपसे बात करेंगे इस विषय पर। अच्छा, अब हम आए यहाँ पे आए हैं जहाँ पे जो महिला के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, उसमें अभी क्या क्या हुआ है? हाँ, तो उसका भी फटाफट उसको भी करवाइए, अरेस्ट उसको भी करवाइए, और इसके बाद देखिएगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंसेस लैप्स नहीं होने चाहिए, मतलब जितनी सख्त सजा हो सकती है उतनी इन लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर।